वही गाथा वही दिन है, बस जगह बदल चुकी है, एंड्रॉइड बदल चुका है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम मोहित है। मैं अपने किंग्समैन के लिए वीडियोस लेके आता रहता हूँ, एक से बढ़ के एक लेटेस्ट वीडियोस अलग अलग गेम्स के। और हम यहाँ सॉरी पबजी नहीं खेलते, इन केस अगर आप नए हो और पूछने वाले हो तो। सो आज हम खेल रहे हैं डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन का अगला एपिसोड, जहाँ पे कुछ तूफानी होने वाला है, बिकॉज कॉर्नर के साथ हम जब भी खेलते हैं तो कुछ अलग सा होता है। और यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं मिस्टर लेफ्टिनेंट एंडरसन को फाइंड करने हुए, और लेफ्टिनेंट एंडरसन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी केस पे हम काम कर रहे होंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे लेफ्टिनेंट एंडरसन को फाइंड करने के लिए अलग अलग जो फेस दिख रहे हैं उन्हें स्कैन मारना होगा। ओके, कहानी में कुछ मिस ना हो, कुछ भूल ना जाओ, क्योंकि आप एक बहुत ही साफ साफ बात बताना चाहता हूँ। पुरानी एपिसोड नहीं देखे होगे तो बहुत दिक्कत होगी अगला जानने में, क्योंकि हर कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, कुछ भी यहाँ अलग नहीं है। कोई एपिसोड अपने आप में एक यूनिक नहीं चीजें खोलता है, सब कुछ पहले से चला आ रहा है और कड़ी कड़ी जुड़ के आगे बन रही है गाथा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, तो ताकि अगर मैं कुछ बोलूं कुछ बताऊं तो आपको समझ में जरूर आए। चलो, तो जितने कैरेक्टर्स अभी तक हमने देखे इस गाथा में वो है मिस्टर कॉनर, मिस्टर मार्कस, मिस कारा, उनके ओनर टॉड, फिर एलिस, और उसके बाद मिस्टर कार्ल और कार्ल के जो बेटे हैं लियो। इतने लोगों से अब तक हमारा सामना हो चुका है और यहाँ पे मिस्टर एंडरसन से हम मुलाकात करने वाले हैं, नया कैरेक्टर जो इस गाथा में जुड़ने वाला है। लेकिन उनसे ये जो बैठा हुआ इंसान है इसके फेस नहीं देख पा रहा हूँ मैं, एक मिनट इसका फेस देखने के लिए थोड़ा सा। आगे जाना होगा ना, मिसमैच। अब बार्टेंडर तो होगा नहीं, बार्टेंडर के अलावा एक यही इंसान है जो बच गया है। ठीक से यहां से एक मिनट, यहां से ओके। ओ पॉजिटिव मैच, ओ एंडरसन हैंक, फोटो तो बड़ी कूल सी लग रही है, बट यहां पे क्या हो गया इनको, ये दया से देवदास बन के बैठे हुए यहां पे। Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. देख रहे हो, अब यहाँ भी एक साइबर लाइफ के एंड्रॉइड की बात की जा रही है जो रोग हो चुका है और उसने किसी का मर्डर वगैरह किया है। होमिसाइड मतलब ये होता है ना, किसी का कत्ल हो गया हो, लाइक दैट। लिसन, आई थिंक यू शुड स्टॉप ड्रिंकिंग एंड कम विद मी, इट विल मेक लाइफ इजीियर फॉर बोथ ऑफ अस। अंडरस्टैंडिंग, I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. Buy him another drink, maybe? Thoda sa. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. Shawshank Redemption, aapne dekhi hai kya? That gym one is the technology. Make it a double. पुलिस वाला होता है वो यही होता है ना बंदा। जो छत से धक्का, आपने देखी कि नहीं? नहीं देखा, देखना प्लीज, बहुत बहुत अच्छी मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। 90s की मूवी है, बट वन ऑफ द बेस्ट। 9.8 या 7 की रेटिंग है उसकी। Did you say homicide? Did you say homicide? Yes, 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 right sir. Please let's go. चलो पानिया। मेडिकल वैन, एम्बुलेंस मतलब। You wait here. I won't be long. Whatever you say, Lieutenant. Fucking egg. देख रहे हो, जो हमें ऑर्डर दिया गया है वो इसके ऑर्डर से मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया अंदर जाके बात सॉरी इन्वेस्टिगेट करना और इनकी बात
कब मान के हम यहाँ रुक गए हैं, ये दोनों आपस में सही नहीं बैठ पा रहे, तो मुझे बाहर निकलना होगा। Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it, sir. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. The tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That was when he found the body. So, Connor, यानी कि मैं, कुछ special abilities हैं हमारे पास। जब smell. चीजें analyze करके उन्हें scene को आपस बना लेना कि the victim's name's Connor. इसको देख के लग रहा है कि पता नहीं मरे हुए 100 जमाने हो गए। Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. Oh, according to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Well, state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his name? आपको मतलब killer अंदर था, मतलब I am alive, वो android ही मारा होगा इसका। But it wasn't here when we arrived. अब हमें हर चीज खब सारे clue find करके वो scene create कर, ये बहुत मस्त लगता है मुझे, I love this man. Create करना। Batman में बहुत किया, मतलब खेला हुआ आपने तो, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं। I love this. चलो फटाफट clue find करते हैं। फिर देखते हैं एक्चुअल हुआ क्या था। विक्टिम यूज ड्रग्स, ऑल राइट। वैसे भी इसके खिलाफ काफी सारे केसेस हैं, मतलब ये अच्छा इंसान था नहीं, बट इसका मर्डर, एक एंड्रॉइड इसका मर्डर क्यों करेगा, ये भी नो फिंगरप्रिंट, एंड्रॉइड एनवायरनमेंट, एंड्रॉइड से फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, मतलब हो सकता है कि इसमें एंड्रॉइड का एंड्रॉइड जुड़ा हुआ हो। ब्लड इस तरह से मैं ब्लड चार्ट के देख सकता हूं कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। आई एम एनालाइजिंग द ब्लड, आई कैन चेक सैंपल्स इन रियल टाइम। आई एम सॉरी, आई शुड हैव वार्न्ड यू। ओके, जस्ट डोंट पुट एनी मोर एविडेंस इन योर माउथ, यू गॉट इट? गॉट। ओके, फकिंग हेल, आई कांट बिलीव दिस शिट। डेटा ड्राइड ब्लड, अच्छा ये तो उसी का खून है, अच्छा मतलब चाकू से मारा गया है इसको, यही तो होगा। और एनालाइज करते हैं आसपास के माहौल को। ये पार्ट मुझे बहुत बहुत पसंद है, जमीन पे गिरा हुआ खून। वैसे भी यार काफी बॉडी देख के लग रही है कि उसको मरे काफी दिन हो चुके हैं, तो खून पूरी तरह सूख। Is this written in the victim's blood? एडी क्लब, एडन, सॉरी एडन क्लब, कम विजिट अस। But I would say so. We're taking samples for analysis. कुछ खास नहीं है यहाँ पे। Red ice. Seems our friend Carlos liked the party. बॉडी को एनालाइज करते हैं, उसके मरने का दिन तारीख, कैसे मरा है, कितने चोट लगे, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। वाओ, टीरियम 28 स्टेप वुंड, बाबा रे। शरीर में 28 बार चाकू भोगा जाए तो खुद सोचो क्या हालत होगी।
अब यहाँ जब सीन ये क्रिएट करेंगे तो क्लियर होगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कैसे आया था और कैसे कैसे कहाँ से कहाँ से कैसे कैसे आके गिर गया ये कैसे कैसे क्लियर हो जाएगा। ओ यहाँ है विक्टिम वॉज स्टैप्ड, उसके पेट में मारा और अच्छा लड़ाई वहां से होती हुई आ रही थी। दे केम फ्रॉम द किचन, किचन से आए लड़ते हुए, उसने हाथ में चाकू पकड़ रखा है पहले ही। अच्छा किचन में चाकू होता भी है, ऑब्वियस ही बात है। विक्टिम वॉज स्टैप्ड, ये यहाँ मारा गया फिर मारा फिर गिरा इस पॉइंट पे और इसमें लड़ा होगा, फिर यहाँ उठा और कोशिश की उठने की, फिर यहाँ पे फिर गिरा और उसके बाद लगातार इसे वार किया गया चाकू से 28 बार। मतलब मारने वाला काफी गुस्से में था, बहुत ज्यादा। अभी मारने के ही इरादे से आया था, नहीं है तो क्लियर अभी नहीं क्लियर हो पाया पूरी तरह से। Yeah. Seems like the killer really had it in for her. Consider it done, Lieutenant. I am alive. जो जिसको मर्डर करना होगा 28 बार चाकू नहीं मारेगा, ये निशानी बता रही है कि बहुत ज्यादा वो लिखावट नोटिस कर पा रहे हो आप। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम किस तरह से अलाइन आपस में है वो लेटर्स बता रहे हैं कि इस इंसान ने नहीं लिखा है वो। Mike, you finished taking samples there? Yeah. अब किचन थोड़ा सर्च मारते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ड्राइड ब्लड, जब लड़के आ रहे हैं तो यहाँ पे वो बंदा लड़ा होगा उसे, उसके बाद उसका खून यहाँ जमा हुआ है। यहाँ बाद में चलते हैं। Gossips Weekly, Android sense officially better. Sorry ladies, but plastic can be. Wow, ये बुक है टच बुक, सब कुछ 2000 मतलब 19-20 साल बाद हर चीज सिर्फ टच हो जाएगी। बस टच करो बुक का, आपकी बुक, आपकी टीवी, आपके फ्रिज, आपका हर चीज टच, टिक, एडिक्ट। मैं तो अपना मिशन पूरा कर लूंगा, लेकिन आप कब करेंगे सब्सक्राइब करने का मिशन? सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ऑल सेलेक्ट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की चिट्ठी आपके घर तक पहुंच जाए। ये बता रहा है कि यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से वो ऊपर किधर उठा हुआ है, लड़ा रहा है, वहां पे लड़ाई हुई है। मतलब एक चाकू का इसका मतलब चाकू यही उठाई गई है, इसका मतलब ये हुआ कि चाकू मारने का इरादा नहीं था, इरादा बनाया गया है, अंदर ही झगड़े हुए हैं उसकी वजह से, इसलिए 28 बार उसको खोपा गया। नहीं, वो गुस्से में आके उसने 28 बार मारा। ये बार बार ये इस पे निशान क्यों आ रहा, कुछ क्लू है इसमें या क्या है ये? फिंगरप्रिंट उसी बंदे के, वो तो देख के लग रहा है स्ट्रगल हुआ है यहाँ पे, तभी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई है, गिरा हुआ है वहां पे। पूरी कहानी क्या है वो तो एक सीन क्रिएट करने के बाद क्लियर होगा। बेस इस पे भी उंगलियों का निशान है ना कि एंड्रॉइड ने इसको नहीं पकड़ रखा था। डेंट लगा है, थीरियम, ये कोई एलिमेंट है जो हर जगह दिख रहा है, थीरियम। मुझे नहीं पता इसके बारे में, कोई सुना नहीं मैंने थीरियम क्या है। ये तो पीरियोडिक टेबल भी नहीं होगा, आई थिंक, आई डोंट नो, होगा तो आप, आई डोंट रिमेंबर। फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट यानी ये बेस, उसे चाकू पकड़ रखा था इसने, बेस ये बॉल, ये बैट बैट पकड़ रखा था, फिर एक मिनट कोई है वहां पे, इस तरह से झटका नहीं लगा होगा। अच्छा डेवियन टुक अ नाइफ, यानी कि उसने एंड्रॉयड को मारा और एंड्रॉयड ने गुस्से में आके चाकू उठाया और उसको उसके ऊपर वार किए। एक मिनट बच रहा है, देख रहे हो, ये वाज अटैक्ड, इमोशनल शॉक, यानी ये मार रहा था उसके ऊपर वो, गुस्से में आके उसने चाकू उठाया, उसके हाथ में लगा है पहला, फोर आर्म्स पे। हाँ
यहां मारा उसने। अच्छा इसलिए थीरियम, थीरियम कुछ वो एलिमेंट है जो उसकी बॉडी में पाया जाता है इस एंड्रॉइड, तभी थीरियम वहां पे बेसबॉल एग्जैक्ट उसी जगह पे लगा है और इसलिए वहां पे बेसबॉल बोल रहा हूँ बार बार, वहां पे डेंट पड़ी हुई है इसीलिए। और फिर जब वो लड़ा वहां पे और उसने जाके फिर वहां से चाकू निकाला और फिर इसको जब मारा तब जाके ये पीछे की तरफ गिरा यहां पे आके। हर जगह उस सूखे हुए खून के निशान है। फुटप्रिंट्स, शू प्रिंट मॉडल के। Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No, this type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. इसका मतलब कि वो किलर यहाँ से नहीं भागा है तो मेन गेट से, एक मिनट, मेन गेट तो कह रहा है बंद है, इसका मतलब घर के अंदर छुपा हुआ है ना, क्योंकि घर में दो दरवाजे हैं आगे पीछे का, आगे से वो निकला नहीं है, पीछे से गया नहीं है, तो फिर वो मैंने अलमारी चेक की थी ना पहले, आने की थी पहले रूम में तो की थी। आई डोंट नो बार बार इस पे क्यों ये पॉइंट कर रहा है, ये कोई क्लू है क्या है, बट आई डोंट नो मैन। गॉसिप वीकली पेज नंबर वन। ये यूं ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आर ए नाइन, क्या ही आर ए नाइन, आर ए नाइन, आर ए नाइन। और एक छोटी सी मूर्ति आर ए ग्लियस ऑफरिंग, आर ए नाइन को ये ऑफर कर कौन कर रहा था, ये रोबोट एंड्रॉइड या फिर ये बंदा, क्या है ये ऑफरिंग और क्या है ये आर ए नाइन, आर ए नाइन साइबर लाइफ आर ए नहीं आ रहे, कुछ मैच तो कर नहीं रहा है यहाँ से। आई डोंट नो, देखते हैं धीरे धीरे पर्दे उठेंगे रास्ते पर से तभी तो मजा आएगा। आपको चीजें क्लियर तो हो रही है ना, आई होप समझा पाने में सक्षम हूं, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज। ओह या, अब मैं बताता हूं आपको क्या हुआ है। इट ऑल स्टार्टेड इन द किचन, इन द बाथरूम, इन द लिविंग रूम। इन द किचन आई थिंक, इन द किचन। There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. Without a weapon, with a bat, with a knife. No, he attacked with the with bat. The bat. That lines up with the evidence. Go on. The android stabbed the victim, the android threw the chair, the victim stabbed the android. The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to... Fled to the living room, the bathroom, the garden. Bathroom mein gaya tha? Garden? Garden to nahi hai. The bathroom. No, that can't be right. Sorry. It doesn't fit the evidence. Okay, oops. अच्छा नहीं, लिविंग रूम में गया था, सॉरी लिविंग रूम वहां जाके उसने अटैक किया था ना, वहां पे स्टैब स्टैब किया था उसको। यहां पे हुआ था फाइनल फाइट और मारते हुए जाके देखो रुका नहीं है वो। All right, that makes sense.
The android murdered the victim. With the knife? With the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers Android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh, but I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. सर्च फॉर मैं कह रहा था कि कमेंट में प्लीज एंड्रॉइड लिख देना, ठीक है? मैं समझ जाऊँ कि आपको आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो और समझ समझ के सब कुछ सही समझ पा रहे हो, समझ वाला जो समझदारी से मैं समझा रहा हूँ वो आपके समझ में समझ हो रहा है, मतलब दिमाग में घुस रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ एंड्रॉइड लिखना, मैं बस इतना समझ जाऊँगा एक वर्ड से कि हाँ आपको चीज़ें क्लियर तो हो रही है एटलीस्ट। ऑलराइट, सो ये मैं ब्लू ब्लड का पीछा करता हुआ जा रहा हूँ, बिकॉज थीरियम वो चीज़ है जो एंड्रॉइड के बॉडी में पाया जाता है, जो उनकी बॉडी को पावर देता है। यहाँ पे लैडर थी, सीढ़ी। लुक एटिक 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 एटिक, अच्छा एटिक में छुपा हुआ है। चल लेकिन यार एक काम हो सकता है यहाँ पे, पिक कर, हाँ कर सकते, ठीक है, बढ़िया। Hey, what are you doing with that chair? I'm going to check something. Gonna check something. Mr. Anderson थोड़े से परेशान है उनसे। को छुपा हुआ है उस पर्दे के पीछे ना, एक मनुष्य की आकृति तो बन रही है, बट कुछ अजीब सा नहीं लग रहा देख के, मतलब कुछ ज्यादा ही ठीक है, देखते हैं एक बार। ये ब्लू ब्लड ब्लड भी आगे ही जा रहे हैं, आगे क्यों इशारा कर रहे हैं? कोई है, कोई है, वही होगा और कौन होगा, बट ये भागा क्यों नहीं पगला यहां से? I was just defending myself. He was gonna kill me. Bro, you are a machine. Repair ho jate tum. Don't tell him. Oops. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant. It's here. समझ रहे हो, इंसान नहीं, he is here नहीं, Chris, it's here. Ben, get your asses in here now. Come on. But इसने उसे जान से क्यों मारा? ये RA9 क्या है जो हर जगह लिखी हुई है? क्या है वो मूर्ति जो अफ्रीकी की तरह वहां रखी हुई है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में, जब देखेंगे मेरे साथ डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन बेबी।
See you soon in my next video. Have fun. Love you so much. Thank you so much for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.